गुना जिले के इतिहास में पहली बार जिले के दो बच्चों ने एक साथ यूपीएससी परीक्षा में फाइनल रिजल्ट में स्थान प्राप्त किया है। 423वें नंबर पर जेवा खान जो कि राघोगढ़ के निवासी हैं और 579 रैंक पर विशाल धाकड़ जो कि कोलूपुरा के निवासी हैं। जिला कलेक्टर गुना फ्रैंक नोवल ए एवं पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार मिश्रा सहित पूरे शहर के लोगों ने यूपीएससी में सफलता प्राप्त करने पर उनको बधाई दी। आज हमारी टीम विशाल धाकड़ के घर पहुंची, वहां उनके परिवार से बात की। विशाल धाकड़ के पिताजी कमल धाकड़ मोटर वायरिंग का कार्य करते हैं। उनका एक बेटा है और दो बेटियां हैं। उनकी एक पुत्री डॉक्टर है और एक अध्ययनरत है और उनके पुत्र विशाल धाकड़ का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है। विशाल धाकड़ अभी दिल्ली में है जिनसे हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं उनके परिवार से। पहली बार दो विद्यार्थियों ने एक साथ यूपीएससी की परीक्षा पास की है। 423वें नंबर पर हैं जीवा खान जो कि राहुगढ़ की निवासी हैं और 579वें नंबर पर विशाल धाकड़ का चयन हुआ है। ये जो चयन है ये गुना में शिक्षा के क्षेत्र में उच्च आयाम प्रदान करेगा, बच्चों में उत्साह पैदा करेगा। आइए देखते हैं दोनों पर एक रिपोर्ट। इसको हम विशाल के पिता से बात करते हैं जो मोटर बाइंडिंग का काम करते हैं। ये आप जो काम करते हैं उसमें आपके बच्चे ने इतनी बड़ी सफलता प्राप्त की यूपीएससी में, तो कैसे ये संभव हुआ और कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो अच्छा ही करना है, पूरे परिवार को खुशी है। और सफलता की बात रही तो सबसे पहले तो मेरे दो असिस्टेंट हैं बबलू बुला कुशवा और उनकी विशाल की मम्मी इतनियों का। तो ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप इसको पढ़ने दिल्ली भेजे हैं वहाँ से? प्रेरणा तो क्या है, थोड़ा बहुत मैं भी शिक्षित हूँ तो मैं पहले से ही थी, गांव से हम आए तो बच्चों को पढ़ने के मकसद से ही बनाया है। अच्छा, बच्चों को पढ़ाने के मकसद से ही और जहाँ कर उनके अपन कुछ घर से कमा के लाए और जहाँ तो यही कमाने लगे इंजीनियर लगे बच्चे पढ़ने लगे। थोड़ी बच्चे पढ़ते थे गाँव के, उन्हें पढ़ रहे हैं अभी, कचरी ने बंद कर दिया सालान पड़ गया। उसकी सिस्टर डॉक्टर है, उससे बड़ी। अच्छा, इससे बड़ी डॉक्टर निशा धाकड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में गुना में। अच्छा, तो ये जो आप गांव से बच्चों को शहर ला के इतनी प्रेरणा से आपके बच्चे यूपीएससी में चलते हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या जो गांव के लोग हैं अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगे? तो गाँव के बच्चे ये थे आज विशाल निकला तो हम भी उत्साहित हैं, गाँव वाले भी उत्साहित हैं और प्रेरणा सूत्र हैं बच्चों को आगे पढ़ाएँ, मेहनत करें, हमें बच्चे आगे बढ़े, बच्चे भविष्य थे इसका। अच्छा, मेरे को अच्छा लग रहा है भैया, और अगली साल नहीं हुआ था टेंशन लगी थी तो आपकी हो गया, आप बढ़िया लगा मेरी लाने और आप हो जाए गांव से शहर तक आने और बच्चे यहाँ तक पहुँचने में आपको कितना गर्व महसूस हो रहा है जब गांव से यहाँ आए? आपके एक बच्चा डॉक्टर है और एक बच्चा अब यूपीएससी में सिलेक्ट हो गया, अच्छी खुशी है और खूब ज्यादा खुशी भाई। कल तो और बेटी निकली थी जब भी खुशी हुई, शादी हुई जब भी खुशी हुई है, और अब और खूब ज्यादा ही खुशी है। अब आपकी मुलाकात कराते हैं राघोगढ़ की बिटिया जेवा खान से जो यूपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं। जेवा खान के पिताजी अनवर खान एक शासकीय शिक्षक हैं। अनवर खान के दो बच्चे हैं जिसमें से उनका एक बेटा है जो अध्ययनरत है और जेवा खान का यूपीएससी की परीक्षा में चयन हुआ है। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं जेवा खान और उनके परिवार से। जी मैं चाहता हूँ सबको ऐसा कहना करीब करीब कि अपने हिसाब से ना जो जो नॉलेज है अपना किताबी नॉलेज सबसे देना भूगोलिक और सब राजनीति के सब सब्जेक्ट के हिसाब से नॉलेज भी मतलब बढ़ाना इससे ताकि पता है कि अपनी यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर सके बच्चा मतलब। जी सेंट मेरी में 1 से 10 तक तो सेंट मेरी करीब पढ़ी मतलब जी। उसका 11 से लेकर 12 तक ऐसे ससाई में करी और फिर बीएससी उसने हॉस्पिटल साइंस इंदौर से की और उसने एमए भी किया उसे पब्लिक उसे सब्जेक्ट ग्रेजुएट है मतलब वो जी। और उसका सेल्फ स्टडी करी उसने मतलब। ये जो इस पोजीशन में मैं आज हूँ ये मेरा पूरा बचपन वाला हार्डवर्क है, मतलब शुरुआत से मैं स्कूल टाइम से ही काफ़ी डेडिकेटेड थी अपनी स्टडीज को लेकर। उसके बाद मैंने अपनी इनिशियल स्कूलिंग सेंट मैरिज से की है, उसके बाद सत्य साइंस से अपना 11th 12th किया है, उसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन होलकर साइंस कॉलेज इंदौर से किया है। साइंस में मेरा शुरुआत से इंटरेस्ट था, उसके बाद मैंने अपना यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं ग्रेजुएशन से ही अपनी डेडिकेटेड प्रिपरेशन में लग गई थी यूपीएससी की।
और बीच में मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एमए फ्रॉम देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी। और अभी ये मेरा यूपीएससी में मेरी 423 रैंक आई है। ये मेरा फर्स्ट मेंस एंड फर्स्ट इंटरव्यू था, ओवरऑल थर्ड अटेम्प्ट। मेन गाइडेंस ये है कि हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हार्डवर्क तो करना पड़ेगा पूरा का पूरा, मतलब जो है जो हार्डवर्क ही है, और अपने ऊपर फेथ रखना है। पेशेंस इस एग्ज़ाम में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कंप्लीट एक साल दो साल की साइकिल है। आप एक साल एग्ज़ाम में बैठते हो, फिर आपका रिजल्ट आता है, तो आपको एक डेढ़ साल लग जाता है, तो उसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। और इसी उसमें किसी भी स्टेज में अगर आप रह गए तो फिर वो साइकिल शुरू करनी पड़ती है, तो इसमें पेशेंस बहुत ज़रूरी है। नॉलेज रखें, पेशेंस रखें और हार्डवर्क करते रहें। मेरा जो ये पोजिशन पर मैं पहुँची हूँ, उसमें पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन मैं अपने मतलब पेरेंट्स को देना चाहूँगी, और मेरा बहुत सपोर्टिव भाई है जो अभी आईआईटी दिल्ली में है, तो ये तीनों ने ही मुझे ऑलमोस्ट पूरा सपोर्ट किया है। पापा ने हमेशा विश्वास दिलाया। इनिशियली मैं वो नहीं हुई थी, सक्सेसफुल नहीं हुई थी अपने इनिशियल अटेम्प्ट्स में, बट पापा वॉज लाइक कि नहीं जेबा तुम कर सकती हो, लगी रहो कर सकती हो, मेरी बेटी जरूर अधिकारी बनेगी, उनकी ये लाइन थी। और आज मैं इस पोजिशन पर हूँ। मेरी मम्मी ने मेरे को हमेशा इमोशनल सपोर्ट दिया है कि कभी भी मैं हारी हूँ तो नहीं बेटा कर सकती हो, कर सकती हो। और मेरा भाई जो है ये मेरा बहुत बड़ा सपोर्टर है। आज ये राहुलगढ़ के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे राहुलगढ़ क्षेत्र की बेटी जेबा खां ने राहुलगढ़ का और रघुनाथ जिले का नाम रोशन किया है। ऐसे और भी बच्चे फिर उनको देख के और भी लोग मेहनत करेंगे, तो सभी को मेरा यही सलाह है कि इनसे प्रेरणा लें कि हमारे राहुलगढ़ के लिए और गुना के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने और यहाँ से और भी बच्चे पढ़ें। और जेबा को उनके भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, ये आगे तैयारी करें और राहुलगढ़ का हमारे देश में नाम रोशन करें। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत गर्व का विषय है। यूपीएससी अपने आप में बहुत कठिन एग्ज़ाम होता है, जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर पर कंपटीशन होता है। इसमें गुना जैसे ज़िले से राष्ट्रीय स्तर के कंपटीशन में सफलता प्राप्त करना, अच्छी रैंक के साथ सफलता प्राप्त करना, ये गुना के लिए एक बहुत गर्व और गौरव का विषय है। दोनों जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त की है, उनको मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और हम कलेक्टर साहब से चर्चा करेंगे, इनका सम्मान भी जिला स्तर पर किया जाना चाहिए, भविष्य में इस प्रकार की कोई योजना की जाएगी। दोनों बच्चों जेबा खान एंड विशाल, दोनों को ढेर सारी बधाइयाँ। मैं उनसे संपर्क करके बात करूँगा अभी। दोनों को बधाइयाँ, ऑल द बेस्ट आपके करियर के लिए। जो भी सर्विस अलॉट होगा आपको, उसमें ज़रूर जी जान लगा के काम करेंगे। एंड बाकी लोगों से भी, बाकी लोग इनको भी देख के प्रेरणा लें, मोटिवेशन लें कि ऐसा नहीं कि एक छोटे से शहर से हम नहीं कर पाएंगे, इन्होंने कर दिखाया है। तो पब्लिक सर्विस में काम करने का एक अच्छा मौका, तो सभी लोग इसको ऐसे मोटिवेशन जरूर लें एंड जरूर यूपीएससी एग्ज़ाम या एमबीपीएससी एग्ज़ाम्स जरूर तैयारी करें, ताकि पब्लिक सर्विस करने के लिए आपको एक मौका मिले। पिछले कई सालों में गुना में पीएससी में कई बच्चे सिलेक्ट होते रहे हैं सर। पीएससी कोटा गुना के पास ही और हब है, तो गुना को प्रतियोगी परीक्षा में आपके रूप में विकसित करने के लिए कोई प्रयास प्रशासनिक स्तर पर या शासन स्तर पर किए जा सकते हैं? अभी देखिए, प्रशासनिक स्तर पर ज़्यादा करते हुए इसमें अभी, क्योंकि लोग दूसरी जगह जाके पढ़ रहे हैं, बेस्ड ऑन द क्वांटिटी हो सकता है कि यहीं पर कोई इंस्टीट्यूट लगाने के लिए तैयार, उसके लिए भी जरूर चर्चा करेंगे अगर इंस्टीट्यूट तैयार हो जाए, क्योंकि ये एक अभी एक महीने का काम नहीं है, एक साल का नहीं है, ये एक लंबा टाइम लगेगा इसमें इस्टेब्लिश होने में भी। जैसे कोटा भी इस्टेब्लिश हुआ है तो लंबे समय में इस्टेब्लिश हुआ है, दिल्ली में बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी लंबे समय से इस्टेब्लिश हुए हैं, तो इसमें समय लगेगा। बट वही है, जहाँ पर अभी हम उसके लिए वेट ना करें, यहाँ पर जब इस्टेब्लिश होगा तभी हम लोग करेंगे। हम लोग प्रयास, अवसर जहाँ मिल रहा है वहाँ जाके उस अवसर को हमें लेना रहे।